ना थके हैं पाओ कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने बहुत से दौड़ देखे हैं और आज भी कोशिश जारी है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम नमस्कार अपने हरियाणा वाले भाइयों से, दिल से राम राम। आज कुछ चीज़ें शेयर करनी थी, शायद मेरी इस वीडियो से किसी को कुछ फ़ायदा भी हो जाए और कुछ की जल भी जाए, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं। कि आप जैसा बंदा ना, मैं बोल दूँ, आप जैसा बंदा इस दुनिया में है ही नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं अभी ये कोरोना के हालात आए हैं तो थके हुए हैं, हार चुके हैं, और मैं भी बहुत भाग दौड़ की है इन दिनों, तो मैं भी काफ़ी थक गया था। लेकिन क्या है ना कि साथ में बैठने वाले फैमिली वालों ने, हर बंदे ने, मेरी टीम तक ने, यहाँ तक कि मेरे बाइक राइडरों ने मेरी सपोर्ट की। और जब भी मैं थक जाता था और ये लगता था कि बस बहुत हो गया, तभी उनकी सपोर्ट मिली और खड़ा रहा। तो आप जैसा ना बंदा कोई नहीं है इस दुनिया में, तो आपने थकना नहीं है, हारना नहीं, हार नहीं माननी है, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपका जो थंबप्रिंट होता है ना, वो सिर्फ आप ही के पास है, आप जैसा किसी के पास नहीं होगा। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा, आप जैसा बंदा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस हौसले नहीं हारने। और एक चीज़ मैं बता दूँ फ्लाइट्स को लेके, मैं अभी तक मार्केट में बहुत सी लोगों की वीडियो आई कि आज से फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगे, फिर अगले दिन वीडियो आती है कि नहीं भाई अब ये हो गया वो हो गया, पूरी पक्की नॉलेज नहीं होती और बस वीडियो डाल देते हैं। मैं इस तरह की हरकत नहीं करता हूँ भाई, क्योंकि जब तक मेरे पास कंफर्म हर चीज़ की फाइनल ना हो जाए, तब तक मैं लोगों को ना तो लारे लगाता हूँ, लारा समझते हो ना, लारा किसे कहते हैं, ना तो मैं किसी को लारे लगाता हूँ और ना ही किसी को गुमराह करता हूँ कि हाँ भाई उम्मीद है हो जाएगा। भाई उम्मीद तो हर बंदा लगा के रखता है, लेकिन कन्फर्म ये जो सोशल मीडिया है ना, जो ये यूट्यूब चैनल रही है, कितनी बड़ी दुनिया है, इस पर बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन वो बहुत से कम लोग होंगे जो बिल्कुल जेन्युइन बात ठोक के मारेंगे। समझ रहे होंगे क्या कहते हैं, जो पूरी कन्फर्म। अब किसी ने किसी की वीडियो देखी, हाँ भाई 6 तारीख से फ्लाइट स्टार्ट है, 25 से स्टार्ट है, 24 से स्टार्ट है, हाँ चलो भाई मैं भी बोल देता हूँ एक वीडियो तो डालनी है, फिर दो दिन बाद पता चलता है फला वो तो गलत न्यूज़ थी, फिर कुछ ना कुछ चेंज। कन्फर्मेशन ये है फ्लाइट्स की कि भाई 6 से फ्लाइट स्टार्ट है। मैं अब तक किसी को भी ऐसी वीडियो बनाई नहीं थी मैंने कि भाई कब फ्लाइट स्टार्ट होंगी, क्या होगा क्या नहीं, भाई 6 से फ्लाइट स्टार्ट है इंडिया पाकिस्तान की, और वीज़ा भी स्टार्ट हैं, जिनके वीज़ा हम इंडिया में दे चुके हैं। मेरा जो फोर्थ बैच था पूरा का पूरा टैक्सी का और बाइक राइडर्स का, तो उनको बता दूं, एक स्पेशली न्यूज़ डाल दूं। मैं इसलिए चुप था क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं पता था सारा चीज़ जो का डिटेल का, तो सब चीज़ कंफर्म होने के बाद मैं बता रहा हूं कि जो लोगों को विजिट वीज़ा मैं दे चुका हूं, जिन लोगों को मैं रिपीट कर रहा हूं विजिट वीज़ा दे चुका हूं, और जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से वो एक्सटेंड हो जाएंगे, जिस तरह पहले भी एक बार हुआ था। तो इस चीज़ की टेंशन ना लें, और भाई जैसा आपके साथ है ऐसा मेरे साथ भी होगा, और मेरे साथ जैसा हुआ ऐसे सारी दुबई और ऐसे सारी दुनिया के साथ होगा। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्पेशल किसी एक को प्रोटोकॉल देगी, सबके लिए रूल बराबर हैं। और जो बता दूं कि दुबई के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, जो दुबई के बारे में बात करते हैं, उनको बता दूं मेरे भाई, आपने कभी इंडिया की पुलिस को किसी की हेल्प नॉर्मली करते नहीं देखोगे? यहाँ पे अगर गाड़ी रोड पे चल रही है ना, ख़राब हो जाए, टायर पंचर हो जाए, तो आपको सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सी वीडियो मिल जाएगी कि पुलिस वाले खुद उसका टायर चेंज करते हुए पाते हैं उसकी हेल्प के तौर पर। ठीक है, यहाँ की गवर्नमेंट, जब किसी गवर्नमेंट को यह दिखता है कि हाँ लोगों का लॉस हो रहा है, तो उस लॉस में भी खड़ी होती है गवर्नमेंट, हर चीज़ में सपोर्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट पैसा पैसा कमाना जानती है या इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हर चीज़ में दुबई गवर्नमेंट पब्लिक के साथ खड़ी, क्योंकि उनको पता है कि यार यहाँ पे लोग, हम लोगों के साथ खड़े होंगे तो फिर लोग यहाँ टिकेंगे, ये तो कौन रुकता है भाई जब कोई कंट्री सपोर्ट नहीं करती। इंडिया में देखो हालात कैसे हुए, पाकिस्तान में हालात कैसे चल रहे हैं। तो ये चीज़ कहूँगा फ्लाइट्स को लेकर कि फ़्लाइट स्टार्ट होगी, और कुछ अफवाहें चल रही हैं इस टाइम सोशल मीडिया पे कि डोज लगवानी ज़रूरी है या इस तरह की, उस चीज़ की फाइनल अपडेट नहीं आई है, क्योंकि जब तक दुबई गवर्नमेंट स्पेशली नहीं बोल देती, तब तक इस चीज़ पे अफवाहों पे ध्यान ना दें कि डोज लगवानी ज़रूरी है। यार सिंपल सी बात है, अभी मैंने देखा था, मैंने सुना है खुद ही कि दुबई से जो लोग वापस गए वो एक एक डोज लगवा गए, वहाँ पर उनको डोज नहीं मिली यहाँ वाली। तो ये चीज़ को नज़रों में रख के गवर्नमेंट एक्शन लेगी कि कौन सी डोज लगवानी ज़रूरी है, कौन सी नहीं। पूरी लिस्ट निकलेगी, वो लिस्ट मैं शेयर भी कर दूंगा बाद में, कौन सी डोज लगवानी है आपने अगर वो इंडिया में मिलती है, या फिर जो भी है। इस बारे में पूरी डिटेल मैं कंफर्म नहीं करूंगा दूसरों की तरह कि हाँ भाई बस वीडियो डालनी है दिन में और बात ख़त्म कर देनी है, लोगों को नॉलेज पूरी मिले ना मिले।
और बाइक राइडर्स को एक सरप्राइज दे दूं कि मैं अभी खड़ा हूं ऑफिस के सामने, और जिस तरह मैंने पिछली वीड़ियो में कहा था बहुत जल्दी मार्केट में लड़के उतरने वाले हैं, तो बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मंडे या ट्यूसडे को लड़के रोड पे हो ही जाएंगे। मंडे को मेरा 95% कन्फर्म है, लेकिन 100% उससे अगले दिन उतर जाएंगे लड़के और हायरिंग स्टार्ट है। टैक्सी को लेके भी, टैक्सी वाले लड़के भी आ सकते हैं। पंजाब और हरियाणा में तो भाई ज़्यादातर ड्राइवर ही है ना, कंपनी वीज़ा दे रही है, लाइसेंस बनवा रही है, सब चीज़ बनवा रही है टैक्सी कंपनी, तो आना है जिसको आ सकते हैं। बाइक राइडर्स आना चाहते हैं आ सकते हैं। और मेरा जो कैमरा पकड़ा हो, पसीनों में परेशान हो रहा है, बार बार टांगे मार रहा, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसका। दुआ में याद रखिएगा और मेरे बाइक राइडर्स के लिए, और जिनके मेरे सपोर्टर हैं, जिनके कमेंट्स आते हैं उनके लिए बहुत सारा प्यार। आपके लाइक और कमेंट्स की वजह से मैं अब तक टिका हूँ, नहीं तो बहुत से लोग आए बहुत से चले गए, और बहुत से लोगों ने उंगलियाँ भी उठाई हैं और मार्केट में चले गए, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपका प्यार चाहिए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आने चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, ताकि अगली वीडियो कुछ शानदार हो। लड़कों के साथ ही आएगी इस बार वीडियो, जब 60-70 लड़के रोड पर खड़े होंगे और उन्हीं में मेरे बाइक राइडर भी, साइकिल राइडर भी, सब के सब, तब आएगा असली मज़ा। बोलने से कुछ नहीं होता भाई, करना पड़ता है। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।